अभी जा रहा हूँ यार मैं रोहित का केक लेने, क्योंकि रोहित का 2 दिन पहले था बर्थडे। पर यार उस टाइम थे हम ट्रेन में, तो ट्रेन में हमने केक कटिंग नहीं करी। अब जा रहे हैं हम केक लेने उसका, रोहित का। तो बेकरी देखी थी, तो बेकरी तो शायद मुझे लग रहा था कि बंद है, पता नहीं खुली है, तो खुली मिली है बेकरी। तो अभी रोहित को पता नहीं है, मैं अकेला हूँ। मीनाक्षी मंदिर परिसर के बाहर ही खड़ी है। तो केक लेकर जाते हैं और आश्रम में ही केक कटिंग करेंगे, बाबा की के आश्रम में। तो अभी आश्रम में जाके केक कटिंग करेंगे रोहित की बर्थडे की। एक केक ले जाते हैं, क्योंकि ना उसके फ्रेंड मिला था हमें इंदौर के आसपास, तो उसने सुबह 4 बजे केक दिया था। तो उस टाइम हम उठे नहीं थे, तो केक कटिंग कर नहीं पाए, तो अभी केक कटिंग करेंगे हम। तो जा रहा हूँ केक लेने। ये जा रही है बाबा की लास्ट बस मंदिर से अब आश्रम की तरफ, शायद ये लास्ट सर्विस है। तो ये आ गए हम बेकरी, सो लेंगे यहाँ पे केक। और मेरे बर्थडे का और साइंस के बर्थडे का भी केक हमने यहीं से लिया था। सो ले लिया रोहित के लिए केक, यहीं से मैंने केक लिया था अपने बर्थडे का। तो जो भी आया भैया, आपकी बेकरी का क्या नाम है? लेवेंडर बेकरी है, बहुत अच्छी है। मैंने 2 जुलाई को अपने बेटे का बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर, और अपना भी। तो भैया की बेकरी से पहले तो दूसरे भैया थे शायद पिछली बार, है ना? हाँ भैया थे वो दूसरे। सो अभी केक ले रहे हैं, दिखाता हूँ। ये बिल्कुल मंदिर से परिसर से 1 किलोमीटर थोड़ा सा आगे है लेवेंडर बेकरी है, बहुत अच्छा। 200 मीटर पे है लेवेंडर बेकरी। सारा टेस्ट हर चीज़ का, यानी केक का, सब चीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो जो भी श्रीडी आए और बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है कुछ भी, सो बेकरी के सबसे बेस्ट बेकरी है। नेम लिखवाना है सर? भैया नेम लिखवाना है? हाँ रोहित लिख दो नेम। हाँ तो देखिए केक, ये देखिए केक फ्रेश है, आपको देखने से पता चल रहा होगा, बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी है केक की। और देखिए आप डिस्प्ले में भी जितने भी आइटम्स हैं सारे फ्रेश आइटम्स हैं। और रेट भी बिल्कुल रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा आपको। सो श्रीडी से कितने मीटर? 200 मीटर पे ही है अभी, 200 मीटर पे मंदिर परिसर से। सो जो भी आए, हाँ अभी तो मैकडॉनल्ड खुला है ये अभी। हाँ ये पीछे, हाँ ये मैकडी खुला है अभी, मैंने खा के कहते हैं यहाँ से। सो मैकडी के बिल्कुल साइड में है भैया की बेकरी। A few moments later. So, अभी रोहित का जन्मदिन तो 2 दिन पहले था। प्लेट लाए या मैं दूं? प्लेट नहीं लाए यार। हाँ कोई बात नहीं यार। सो अभी हम केक कटिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे कप है। थैंक यू श्रेयांश। दो लगा दो, दो 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 लगा दो, दो बस। एक ही लगा दो। अरे दो लगा दो यार, 2 साल का हो गया रोहित, 2 साल। तुम पूरा मत सजा देना इसको, हट जाओ, बस हो गया। दो साल का है रोहित, तीन गंदी बात होती है, हटाओ। इधर आओ, अरे लगा दे बस, चलो लगा दी ना। कर लेना दूरो बेटा, बस आवाज बस। चलो चलो मैं आपकी कटिंग कर दूंगा। चलो भाई तीनों देखो, कैंडल लगाओगे तो मैं केक कटिंग नहीं करूंगा। मैजिक कैंडल है? नहीं, नॉर्मल है। देख मुझे केक कटिंग कर लेना तुम सब। मुझे काटना है केक। हाँ केक काटना है, मैं काटूंगा। ठीक है आप भी काटोगे? हाँ तुम, मैं और मैं। देख तुम काटने दोगे जब तो चद्दर में आग लगाएंगे, दिवाली बनाएंगे। ये दोनों कबाड़ी है, इनको उठा ले मोमबत्ती। चलो सो 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोहित, हैप्पी बर्थडे टू यू।